तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो आज के इनका थर्ड रिटर्न का मैच होने वाला है, जो होने वाला है ऐसे HIS वर्सेस BAK मतलब बांग्लादेश किंग के बीच में। हमेशा की तरह बिल्कुल हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन मेरे भाई ऑलरेडी जो है 6-7 मैचेस दोनों टीम के बीच में प्ले हो चुका है। मतलब दोनों टीम इस टूर्नामेंट में 6-7-8 मैचेस ऑलरेडी प्ले कर चुकी है, तो हमें ऑलरेडी सब कुछ पता है कि कौन से बैट्समैन कब बैटिंग करने आएगा, क्या बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है, क्या बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है। इसलिए डिटेल में बात करने के बजाय अगर हम सिर्फ ऊपर टॉप 4 के बैट्समैन या फिर जो बॉलर 2 ओवर कंप्लीट बॉलिंग डालें इन सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। उससे हमारा क्या है, टाइम भी बचेगा प्लस हमें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा। तो मैं आज आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देने का ही ट्राई करूँगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है वीडियो को बनाएंगे। बाकी जो भी न्यू मेंबर्स हो चैनल पर पहली बार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करके आप लोग जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर देना, आपके एक एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर देना। बैक टू बैक काफ़ी धमाकेदार हमारी यहाँ विनिंग्स हो रही है। रात वाला CBFS T20 हमारे लिए क्लीन स्वीप गया, यहाँ पे दुबई D10 भी हमारे लिए 1 साइडेड मेगा स्वीप गया, और यहाँ पे जो है T10 भी हमारे लिए काफ़ी ज़बरदस्त गया। यहाँ पे हमारे ट्रंप पिक आदिल मलिक 15% सिलेक्शन था, ओनली 107 पॉइंट इसमें दिए। बाकी यहाँ पे डिफॉल्ट पिक सबका 90% सिलेक्शन कह सकते हो, डक हो गया था, हमने लिया भी नहीं अपनी टीम्स में। तो ऐसा प्रिडिक्शन और ऐसी टीम्स आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम में ही देखने मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड होती है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता। एक ना, तो फिर से कह रहा हूँ मेरे भाई, लिंक आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो फर्स्ट कमेंट होगा, मतलब पहला कमेंट होगा, वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो जाके सब लोग ज्वाइन कर लेना। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों अब हम बात करते हैं यहाँ से टीम की। तो यहाँ से मैंने विकेट कीपर सेक्शन को ओपन कर रखा है, यहाँ से आपको जो है 2 पिक दिख जाएंगे, एक्चुअली 3 पिक आपको दिख जाएंगे, बखीदर खलीद, SDev और यहाँ उल मजहर। इन दोनों के बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत डाउन आपको बैटिंग करके देंगे ना बॉलिंग करेंगे, तो बिल्कुल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए। यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे बखीदर खलीद जिसको मैंने पिक कर रखा है, इसको अपनी टीम में लेकर चलना है, डिफॉल्ट प्लेयर आपके लिए होना चाहिए। 3 आपको बैट्समैन दिख जाएंगे, ओली, जुबैद मियां और यहाँ से क्वासिर नबील। ये 3 आपके लिए बैटिंग से डिफॉल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से इसके अलावा कोई भी पहली बार तो खेल नहीं रहा, और खेल भी रहे तो बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है उनका टीम में, ना बैटिंग कर रहे ना बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ कैचिंग से पॉइंट दे रहे हैं, अदरवाइज नहीं दे रहा। तो उनके कंपेरिजन में ये 3 बैट्समैन ही आपके लिए जो है ठीक ठाक रहेंगे, इसलिए मैंने इन 3 को ले रखा है। ऑलराउंडर की बात करें, अभी जल्दी ओपनिंग प्लस 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, पेस काफ़ी अच्छी है और यॉर्कर्स भी काफ़ी अच्छे हैं इसके पास, इसलिए आपको मोस्ट ऑफ द विकेट ये बंदा जो है सिर्फ बॉलिंग से ही लेता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, हर मैच में 2-2, 3-3 विकेट लेके दे देता है आपको ये बंदा, इसलिए मैंने इसको ले रखा है अपनी टीम में। बाकी यहाँ से मोसीउर रहमान भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आपको लगभग 3rd या 4th राउंड आपको बैटिंग देगा, प्लस आपको 2 ओवर की बॉलिंग देगा, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ट्राई कर सकते हो, ठीक। तो इसलिए मैंने इसको अपनी टीम में ले रखा है। बाकी हैप्पी सिंह आपको नेक्स्ट दिखेगा, ये बंदा स्टार्टिंग के मैचेस में सिर्फ बैटिंग कर रहा था, लेकिन भाई रिसेंटली ये जो है आपको 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर रहा है और यहाँ से ओपनिंग भी कर रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होना चाहिए। और GL में CV ही रखा देते, काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, हालांकि बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं करता लेकिन बैट्समैन काफ़ी अच्छा है, ठीक। तो इस मॉलिक के लिए आपके पास इससे अच्छे अच्छे बैटर पिक रहेंगे CVC के, इसलिए कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में ट्राई करना ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन। नेक्स्ट आपको देखिएगा सैफकत अली सैयद, ओपनिंग प्लस 2 ओवर की बॉलिंग, तो ये भी आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, ठीक ना। हर मैच में बंदा विकेट ले रहा है, प्लस रन से बैटिंग से रन भी मार रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होना चाहिए। CVC के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है इस मैच में आपके लिए। बाकी नीचे और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर लाइक एन तालुकदार, आर खान, एम सैफीउल्ला, ये कुछ ऐसे प्लेयर है खेल जाए तो आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होंगे, और CVC के लिए भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन। इसके अलावा काफ़ी यहाँ से न्यू प्लेयर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे नीचे भी, जिन्होंने अब तक एक भी मैचेस प्ले नहीं किया। कोई भी अगर इनमें से खेलेगा तो उनके स्टैट्स प्लस आपको टीम में लेना ही नहीं लेना, सब कुछ मैं आपको जो है टेलीग्राम में बता दूंगा। फिर से कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर देना। बैक टू बैक काफ़ी धमाकेदार हम लोग विनिंग कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री टीम प्रोवाइड होती है, कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाता, तो जाके ज्वाइन कर देना। अब बात करते हैं लास्ट बॉलिंग सेक्शन की। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन बेस्ट 3 ऑप्शन मैंने यहाँ से पिक कर रखे हैं, एम जीशान, एम राहुल और यहाँ से इकरम उल हक। तीनों को लेने का ये पिक है। यहाँ से एम जीशान आपको डेथ में डाल के देगा, एम राहुल हर मैच में विकेट ले रहा है, इसके देखो इसकी टीम से कोई भी फ्लॉप हो या ना हो लेकिन ये बंदा कभी फ्लॉप नहीं होता, हर मैच में आपको विकेट लेके देगा। विकेट नहीं तो ये बैटिंग से स्ट्रोक लगाने की एबिलिटी है इसके पास, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे बांग्लादेश किंग की बैटिंग बहुत ख़राब है, तो हाई चांस है इस मैच में इनकी टीम जो है लगभग 7-8 विकेट तो दे ही देगी सामने वाली टीम का, ठीक ना, क्योंकि उनके बॉलर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। इसलिए यहाँ से एम जीशान जो है आपके लिए बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, और इसको अपनी टीम में आपको ले रखे चलना ही चलना है। बाकी एम राहुल भी आपको जो है अच्छा प्लेयर रहेगा, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके आपको दे देगा, बैटिंग थोड़ा नीचे करता है लेकिन इसके बाद जो है बैटिंग की एबिलिटी है, ट्राई कर सकते हो, इसको अपनी टीम में मैंने पिक कर रहा है। बाकी यहाँ से मोइन एम इस्लाम आपको दी जाएगा, ठीक ना, क्या नाम है, मोइनुल इस्लाम,
सिर्फ आपको बॉलिंग से पॉइंट देगा और मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डालता है, डेफ नहीं डालता ना ही स्टार्टिंग में, तो इसलिए मैंने इस पे रिस्क लेकर यहाँ से इकराम उल हक को पिक कर रखा टीम में, जो आपको एक ओवर मिडिल में डाल के देगा प्लस एक ओवर आपको सातवें आठवें या दसवें में, मतलब सातवें से दसवें ओवर के बीच में आपको एक ओवर डाल के देगा, तो इसलिए मैंने इसको पिक कर रखा है। मोस्ट प्रोबेबली एक ओवर अगर डेफ में डाल जाए तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी टीम जो है कम्प्लीट हो जाती है। सीबीसी की बात करें, कैप्टनसी मैंने देखा है आबिद अली को, सबका कैप्टन यही रहना चाहिए और काफ़ी अच्छा प्लेयर भी है, हर मैच में विकेट ले रहा है, रन मार रहा है, तो बिल्कुल डिफॉल्ट होना चाहिए एज ए कैप्टन। वाइस कैप्टन मैंने दे रखा है यहाँ से सैफत अली सैयद को, ओपनिंग कर रहा है, दो ओवर की बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल डिफॉल्ट पिक होना चाहिए वाइस कैप्टनसी का। तो इस तरीके से मेरी टीम कंप्लीट हो जाती है। बाकी कोई भी अगर ना खेलेगा इनमें से तो उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, और अगर कोई न्यू प्लेयर खेलेगा उसका स्टैट्स भी मैं आपको टेलीग्राम में ही दे दूंगा, प्लस जितने भी बॉलर खेले अगर वो दो ओवर की बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, सब कुछ न्यूज़ फाइनल न्यूज़ एंड अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर देना। तो भाइयों इस तरह अब जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हुआ हो। अगर आप चैनल पर न्यू हो, पहली बार हमारी वीडियो को वॉच करें, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी टाइप के और भी वीडियोस फ्यूचर में देखने मिलेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर ही देना, ठीक ना। तब तक के लिए मेरे भाइयों गुड बाय एंड टेक केयर, और टेलीग्राम से ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। फाइनल टीम और अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे।